मुस्तफ़ा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी हो रही है। आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत ही नई सब्ज़ी आई है। आज मैं बना रही हूँ मूंगरे, गाजरे, आलू और मटर, सारी मिक्स सब्ज़ियाँ बना रही हूँ। साथ मेथी भी डाली है इसमें और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। चलिए आए आके शुरू करते हैं हम लोग किस तरीके से मैं मिक्स सब्ज़ी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। सब्जी ये जो मैं बनाने वाली हूँ, इसमें मैं चीजें बता दूं आपको। ये 1 पाव के करीब मटर थे, 1 पाव के करीब आलू है, 1 पाव के करीब गाजर है और 1 पाव के करीब ही मूंगरे थे। ये सब सब्जी मैंने अच्छे से काट के इसको वॉश करके रख लिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसमें क्या क्या मसाले शामिल करने वाली हूँ और इतनी मज़ेदार किस्म की ये सब्जियाँ रेडी करेंगे और इसको चोपड़ी हुई रोटियों के साथ खाएंगे। चोपड़ी हुई रोटी जानते हैं आप वो क्या होती है? चोपड़ी हुई रोटी घी वाली रोटी के कह दें उसको, या मक्खन लगा दें रोटी पे। चलिए आए बनाते हैं। अब हम मसालों की तरफ आएंगे कि हमने मिक्स सब्जियों में क्या क्या मसाले डालने हैं। इसके अंदर 2 अदद प्याज स्लाइस में कटे हुए ले लिए, 2 अदद टमाटर लिए हैं, ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे टमाटर, इसका छिलका उतार के इसको मैंने पीस लिया। ये फौरी से पीसे जाते हैं, सिलबट्टे पे पीस लें आप या वैसे ही मैच कर लें तो हो जाते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लिए, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी लेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून सादा नमक लेंगे, 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे, ज़ीरा लेंगे और मज़ेदार किस्म की मिक्स सब्ज़ी रेडी करते हैं। जल्दी से बनने वाली और झटपट बनने वाली, पूरी वीडियो को एंड तक देखें कि मैं रेडी किस तरीके से करती हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने घी ले लिया है, घी के अंदर चला जाएगा 2 अदद प्याज स्लाइस में कटे हुए, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा एक बात मैं आप लोगों के साथ, सब यूट्यूबर अपनी जो मेरे चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, प्लीज़ वो मेरे हस्बैंड के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। उनका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सेंड कर दूंगी। उनका कुरान अकेडमी का लिंक है और माशाल्लाह हाफिज़ुल कुरान है, वो किरत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। आप लोग इतना आप लोगों का प्यार, आप लोग हमें प्यार देते हैं तो यकीन करें कि बहुत ही खुशी होती है। यह जो आप लोग हमारी वीडियो देख के और कमेंट्स में भी बताते हैं और वैसे भी बताते हैं कि हमें आपकी रेसिपी बहुत पसंद आई है, तो आप लोगों का सबका शुक्रिया। आज हम लोग जब यहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं, वो आप लोगों की मेहनत की वजह से भी और आप लोगों के शौक़ की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे जहाँ जहाँ भी हो और अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया में बरकत अता करे। आमीन। गोल्डन हो गया प्याज, इस तरह का गोल्डन रखना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस इस तरीके का प्याज रखेंगे। इसमें चले जाएगा टमाटर का पेस्ट, फ्लेम को करेंगे हम स्लो और अब इसमें मसाले जो शामिल होंगे इसकी तरफ चलते हैं। इसमें चले जाएंगे मसालेदार, मसालों में चली जाएगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक चला गया, जीरा चला गया, इसमें चिकन पाउडर चला गया, गरम मसाला पाउडर अभी हम नहीं शामिल करेंगे। जब हमारी वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो जाएंगी और उस वक्त हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और सब्जियों की आमद आमद है तो मिक्स सब्जी बनाने बड़ा ही मज़ा आता है। इसके साथ ही वेजिटेबल जो धुली भी रखी हुई थी मैंने वॉश करके, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब रखेंगे हम सिर्फ 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल ऐसे इसमें पानी नहीं डलेगा, बिल्कुल भी हमें सब्जियों में पानी नहीं डालना।
सब्जियों में पानी डालने से वो सब्जियों की जो क्वालिटी होती है और जो सब्जियों के अंदर फाइबर पाया जाता है, जो चीज़ें पाई जाती हैं, वो पानी डालने से ख़त्म हो जाती हैं। सब्जियों को ज़्यादा पकाने से भी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, इसलिए कोशिश यही करें कि सब्जी ऐसी हो कि गली हुई भी हो और अच्छे से मिक्स हुई भी हो। बस इस तरीके से रखें, कोशिश करें, और इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। और इसको मैं रखूँगी दम की तरह रखना है हमने। और मिलती हूँ तकरीबन 20 मिनट के बाद आपसे कि हमारी वेजिटेबल कहाँ तक पहुँचे। 30 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जियाँ जो हैं पक के रेडी हो गई हैं। ये देखें, बिल्कुल मैंने इसको तो फ्लेम पे रखा हुआ था और हमारी वेजिटेबल जो है बहुत ही मज़े की सब्जी की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी। ये देखें, पानी अभी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, मगर ये देखें पानी अभी भी इसमें है, क्योंकि गाजरों का और इसका मूंगरों का इनका पानी निकलता है, आलूओं का, और इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती हमें पानी। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से हम इसको भुनाई करेंगे ताकि घी निकलना शुरू हो जाए और वेजिटेबल हमारी अच्छे से भुन जाए। और इसमें रखी थी मैंने 2 से 4 अदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, वेजिटेबल भी मैंने डाल दी इसमें, वेजिटेबल में मैंने हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ज़रा फ्लेम कर देंगे हम हाई ताकि वेजिटेबल हमारी सारी ही गल चुकी हैं बहुत अच्छे से। ये देखें, ये आलू भी हो चुके हैं और मूंगरे भी हो चुके हैं और मटर भी हो चुके हैं। असल में जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई सी भी सब्ज़ी बनाती हूँ, उसको मैं अच्छे से नहीं पकाती, अच्छे से नहीं गलाती, बस इस तरह रखती हूँ कि गली हुई भी हो और सब्जियाँ आपस में मिली हुई भी हो और नज़र भी आ रही हो। बाद सब्जियाँ बहुत ज़्यादा गला लेती हैं तो वो विटामिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिलते। अब मेरी फैमिली में सारे बच्चे शौक से खाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये वाली सब्ज़ी, ज़रूर बनाइएगा। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। देखिए, मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम। इसके साथ ही आपसे थोड़ी सी फरमाइश ये करूँगी कि मेरे हस्बैंड के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।